प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान भाइयों को फसलों के नुकसान पर आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसके संबंध में जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कभी सूखा पड़ गया या कभी चक्रवात की वर्षा आ गई और कभी बीमारियों की महामारी आ गई तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को अपनी खेती का लाभ मिल सके। इसके लिए किसानों को फसल बीमा करवाना चाहिए। यदि किसी किसान को व्यक्तिगत लाभ की बात करें तो भूस्खलन, ओलावृष्टि हो जाती है तो उसमें फसल बीमा का लाभ मिल जाता है। इस समय यदि कोई किसान 1200 रुपए का बीमा करवाता है तो उसको 70,000 रुपए की सहायता दी जाती है। यदि फसल आधा नुकसान हुई है तो आधा पैसा मिलेगा, यदि फसल नहीं नुकसान हुई तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, कभी सूखा पड़ गया, कभी चक्रवाती वर्षा आ गया या कभी बीमारियों की महामारी आ गई, ऐसे स्थिति में किसान भाइयों को एक अपने खेती का एश्योर्ड लाभ मिल सके, यानी कुछ इतना हम लोग मिनिमम उनको सुविधाएं दे सके, क्षतिपूर्ति दे सके कि उनको एक राहत का काम आ सके। इसलिए फसल बीमा 2016 से लाई गई है और फसल बीमा में मुख्य रूप से व्यक्तिगत अगर दावे की बात करें तो अगर हमारे किसी किसान भाई के खेत में भूस्खलन हो जाता है या ओलावृष्टि हो जाती है, ऐसे स्थिति में हम लोग व्यक्तिगत लाभ, जैसे महामारी ही आ जाती है तो उसमें लाभ मिल जाता है। तो जो बीमा हम लोग कराते हैं, जितने रुपये की बीमा उनकी होती है फसल की, जैसे पर हेक्टेयर हम धान की बात करें तो लगभग 1200 के आसपास होती है, तो 1200 कुछ रुपया, तो 1200 रुपये के आसपास जो बीमा हो गई तो उसका लाभ लगभग 70,000 के करीब होता है कि अगर पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई तो 70,000 तक का लाभ उनको मिल सकता है। फिर आती है बात कि आधी नुकसान हुआ तो आधी ही जो क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति आधे ही, यानी 30,000-35,000 जो भी बनेगा, 20,000-10,000-5,000 भी जो क्षति होती है उसी रेशियो में उनको क्षतिपूर्ति मिल जाती है। यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्षति नहीं होती है तो उस स्थिति में फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है। लास्ट ईयर फसल बीमा का लाभ मिला था जिसके लगभग 13 करोड़ रुपए का बीमा धनराशि कृषक बंधुओं को जनपद गोरखपुर में खरीफ की प्राप्त हुई थी। इस साल भी देखें तो खरीफ 2023 जो चल रहा है, धान की फसल हमारी चल रही है, इसमें लगभग 54,000 कृषकों का बीमा हुआ है। अभी तो फसलें सही चल रही हैं, जैसी स्थिति आगे बनती है उसके हिसाब से बीमा क्लेम बनता है।